हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 144 व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 इज। फोर ऑप्शंस आर गिवन, चार ऑप्शन गिवन है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट, टेंजेंट्स फाइंड आउट करनी है जो पॉइंट 2, 3 से पास कर रही है और इलिप्स के ऊपर। इलिप्स की इक्वेशन क्या है, 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 144 है। इसको अगर हम 144 से डिवाइड करें तो फाइनल इक्वेशन में इलिप्स आएगी x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1 आएगी। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी 4 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 के इक्वल आ जाएगी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होती है c² इक्वल टू a² इंटू m² प्लस b² m is the slope of tangent, c क्या है y intercept of tangent। This implies c² is equal to a² कितना है 16 है into m² b² कितना है 9 है। तो यहां से हमारा आ जाएगा c² equal to 16 m² plus 9। So finally c is equal to आ जाएगा square root of 16 m² प्लस 9। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, y इक्वल टू mx प्लस माइनस c, c क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 16 m² प्लस 9। ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये जो इक्वेशन है वो किससे पास कर रही है, पासिंग थ्रू 2, 3 से पास कर रही है। तो 2, 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x की जगह 2 y की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 इज इक्वल टू आएगा 2m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 m² प्लस 9। तो फाइनली आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 m² प्लस 9, ये प्लस माइनस का इक्वल टू 3 - 12। दोनों साइड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 m² प्लस 9 इज इक्वल टू आएगा 9 प्लस 4 m² माइनस 12 m। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16 m² माइनस 4 m² तो आएगा 12 m² और प्लस का आ जाएगा 12 m इज इक्वल टू 0। तो फाइनली m² प्लस m इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या है, देख तो 0 आ जाएगी और एक माइनस 1 आ जाएगी। अगर m की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दो वैल्यूज हमें मिल जाएगी c की। c इज इक्वल टू कितना आएगा, c इज इक्वल अगर m इक्वल टू 0 है तो c की वैल्यू आ जाएगी 3, c की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी। और अगर हम m इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो 16 प्लस 9 एफ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर एफ स्लोप इज 0, y इक्वल टू mx प्लस c यूज करेंगे, c हमारा 3 है तो एक तो आएगी y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अगर स्लोप एक बार हमने स्लोप एम ई को 0 यूज किया और सी कितना मिला 3 है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप 0, सी की वैल्यू वाई इंटरसेप्ट कितना है 3, फिर स्लोप -1 और वाई इंटरसेप्ट कितना है 5। एक इक्वेशन मिल जाएगी वाई इक्वल टू, फिर दूसरी आ जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.